नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, मैं हूं आपके साथ कनिका। सितारगंज में पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से बहुत ही शांतिपूर्व तरीके से शुरू हो गई है और इसी को देखते हुए जिले के आला अधिकारियों को अलग अलग पोस्ट देकर पंचायत चुनाव में नियुक्त किया गया है। मतगणना की प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आराम से चल रही है। हमारा सभी जगह पर सभी निर्देश है कि बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दबाजी ना करें, इसलिए कुछ जगह संभवतः कुछ समय लग रहा है, जिसमें जिस तरह आपके कुछ पत्रकार बंधु भी पूछ रहे हैं कि अभी कुछ रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो निर्देश ये है कि बिल्कुल जल्दबाजी ना हो, क्योंकि ये मतगणना ऐसी होती है इसमें जल्दबाजी अगर एक दो चीज़ भी हो जाए फिर बराबर नंबर हो जाता है, दोबारा काउंट करो तो किसी प्रकार से अक्सर उसमें आक्षेप ही लगता है। तो हमने बिल्कुल डायरेक्शन दिए हुए हैं कि बिल्कुल आराम से करें, जल्दबाजी ना हो तो समय लग रहा है, अदरवाइज शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। जिस तरह सितारगंज के अंदर अभी आपने देखा कि 6 बीडीसी मेंबर और 6 प्रधान का डिक्लेरेशन हो चुका है, तो उस प्रकार से सभी जगह से जो जो होते जा रहे हैं, डिक्लेरेशन की प्रक्रिया है ऑनलाइन करने के बाद किया जाता है, इस वजह से कुछ कुछ समय लग रहा है, बाकी प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से और शांतिपूर्ण तरीके से। जैसे आपको बता रहे हैं वो प्रक्रिया है कि आपको एआरओ टेबल से आता है, एआरओ टेबल से आने के बाद में वो चेक करते हैं, दोबारे चेक करते हैं, डबल चेक करना होता है, उसके बाद काउंट उस पर कंप्यूटर अपलोड करना होता है वेबसाइट पे, उसके बाद डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा आपसे अनुरोध भी है कि सभी से इसमें थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि वो प्रक्रिया पूरी करना एक मैंडेटरी वो है डायरेक्शन से। थैंक यू। 15 सब इंस्पेक्टर और 100 कॉन्स्टेबल्स यहाँ पर लगाएंगे, जो 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि मतगणना लंबी चलेगी और ताकि थकान, साथ साथ हमने QRT की व्यवस्था भी की है ताकि अगर कोई अप्रिय व्यवस्था कोई बात हो, टकराव वाली कोई बात हो जाए तो उसको घर में। देवरिया जिले से हैवानियत की खबर सामने आ रही है, जहां पर बकरी चराने गई 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित महिला ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, इसके साथ ही मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई है और न्याय की गुहार लगाई है। कहाँ आए हैं, क्या हुआ है आपके साथ? शरीर में हाथ लगा के मुख में लेकर देखे देखे क्या उसके बाद उसकी विशेष तो दूसरा के लेकर उसी में हमके गला दबा नियम कपा हो गई पैर दबा उसके बाद बोले बात करने की छठी हम जो चाह तो उसको बचने पर हमको कब से आ रहे हैं कोतवाली, कितना दिन हो गया आते हुए? हम आते हैं 3-4 दिन हो गए। क्या कह रहे हैं लोग? क्या कह रहे हैं लोग अंदर गए हैं कोतवाली में, क्या कह रहे हैं लोग? सब कहने की हम चलो फोन करो, दादी फोन करो, हम अब आई है। कितना दिन से आओ तोड़ी है? 4-5 दिन। क्या नाम आपके? सर मुंडेरा में एक महिला के साथ रेप हुआ है, वो 2-3 दिन दौड़ रही थी, उसको क्या सुनवा? आप जिस मुकदमे के संबंध में बात कर रहे हैं उसमें मुकदमा कायम करने के आदेश दे दिया गया है, मुकदमा कायम हो रहा है, अगली कार्रवाई कराएंगे। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया की, जहां पर तरकुलवा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। तरकुलवा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला का शव बीते 27 जनवरी को रामपुर कारखाना क्षेत्र के कटोरिया में बरामद हुआ था, जिसको लेकर तरकुलवा पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर पता लगा कि महिला की हत्या खुद उसके पति ने ही की। वही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसी ने इसकी हत्या की है, इसी आधार पर FIR भी हुई और काफी दिन से उसकी तलाश की जा रही थी, वो नहीं मिला। आज सवेरे जब पुलिस अपना दैनिक चेकिंग कार्य में व्यस्त थी, तभी किसी मुखबिर ने बताया, तो उसी मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस ने कार्रवाई की, उस व्यक्ति को पकड़ा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राज और प्रदीप कुशवाहा बताया और ये मूल रूप से कुशीनगर जनपद का रहने वाला है, लेकिन इस समय रामपुर कारखाना में अस्थायी निवास के रूप में रह रहा है। इसने अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया है और हत्या में जो हथियार बरामद हुआ, हथियार प्रयुक्त किया गया था लोहे की एक रॉड की,
वो भी पुलिस ने बरामद की है। ये बड़ा संगीन केस था, महिला की हत्या की गई थी। पुलिस द्वारा 10,000 रुपये का इस अभियुक्त पर इनाम था और ये पुलिस द्वारा गुर्बर किया गया है और आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव सरकड़ा खास में हर साल की तरह इस साल भी एक मेले का आयोजन इमाम हुसैन शहीद की याद में किया गया, जिसमें इस त्यौहार को चेल्लम के नाम से सभी मुस्लिम भाई मनाते हैं और इमाम हुसैन शहीद की याद में ताजियों का जुलूस भी निकालकर करबला के मैदान में ले जाते हैं, जिसमें इस त्यौहार को याद इमाम हुसैन भी कहा जाता है, जिसमें सभी मुस्लिम बिरादरी के ग्रामीण लाखों की तादाद में एकजुट होकर इस त्यौहार को मनाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? महबूब अली एडवोकेट। महबूब भाई, आज क्या मेले का आयोजन किया गया है? देखिए, ये मेला हमारे वहाँ जो इमाम हुसैन की शहादत हुई थी उसी के सिलसिले में, जो आज चेलुम का मेला कहा जाता है, जैसे मुहर्रम होता है उस तारीख में, जो मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन की शहादत करबला में हुई थी, उसी के सिलसिले में जो चेलम होते हैं, जिसे हम 40वां आमतौर पर बोलते हैं, तो उसी का चेलम का ये मेला यहाँ पर लगता है। कहाँ कहाँ से ताजिए आती हैं, कितनी ऊंचाई की ताजिए आती हैं? देखिए, ताजिए यहाँ पर हमारा सट्टू नंगला, रामपुर भीला, अहमदपुर, खैरखाता, करनपुर, मनीमपुर, अफजलपुर और आस पास के काफ़ी गाँव के आते हैं और लगभग किसी का 70 फीट, किसी का 60 फीट और उससे कम ज़्यादा, इसी लगभग दरमियान इसी के आसपास होते हैं। किस तरह के नक्शे बनाए जाते हैं? देखिए, नक्शे उसमें देखिए, हुजूर का रोज़ा खाना है काबा और इमाम हुसैन की जो करबला में शहादत की गई उस जगह का नक्शा, इस तरीके की चीज़ें इस ताजिए के अंदर बनाई जाती हैं, ताकि लोगों को एक मैसेज दिया जाता है कि हमारे इमाम हुसैन ने जो अपनी शहादत दी है, कुर्बानी दी है, वो हम मुसलमानों के लिए क्या अहमियत रखता है। तो वो उस तरीके के जो ताजिए के अंदर जो नक्शे बनाए जाते हैं, वही है कि जो आज की हमारी नई ताती है, जिसको हो सकता है इमाम हुसैन की शहादत की जानकारी ना हो, तो इस ताजिए के माध्यम से उसको जानकारी देने की कोशिश की जाती है। कब से आप मनाते हुए आ रहे हैं? देखिए, ये हमारा तो जब से इमाम हुसैन की शहादत हुई है, उसी समय से उनके चेलम के सिलसिले में से मुहर्रम और चेलम तभी से चले आ रहे हैं। मेले के आयोजन में पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग रहा? भारी मेला था। देखिए, यहाँ पे जो ख़ास तौर से मैं सरकड़ा खास की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ज़िले में लगभग जो चेलम का मेला होता है, एक दो जगह ही होता है और सरकड़ा खास के अंदर होता है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर बहुत मुस्तैद रहता है और मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को कि कोई भी अनहोनी इस मेले के अंदर आज तक की रही है नहीं हुई है। एक आध दो आज सामाजिक तत्व कोई होते भी हैं तो बड़ी मुस्तैदी से हमारा पुलिस प्रशासन उसको संभाल लेता है, लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड इस सरकड़ा खास के मेले का रहा है। यहाँ पर कोई भी इस तरीके की वारदात यहाँ आज तक नहीं की गई है। कितनी भीड़ रहती है इस मेले? देखिए, यहाँ पर भीड़ मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ होती है। कोई भी यहाँ पर ऐसा रास्ता नहीं होता है जो खचाखच भरा नहीं चल रहा होता है, तो भीड़ का आकलन करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लाखों में ही आप तादाद मान सकते हैं। शांतिपूर्ण बंद हुआ मेला? जी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जब तक ताजिए करबला जो जगह कहलाई जाती है मेले के अंदर, वहाँ पर जब तक नहीं पहुँचते हैं तब तक मेला नहीं माना जाता है। जब सारे ताजिए वहाँ करबला पर पहुँच जाते हैं और उनकी हाजिरी हो जाती है, उसके बाद वो ताजिए जब वापस आ जाते हैं तो मेला संपन्न माना जाता है उस वक्त। यूपी के जहांगीराबाद नगर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर में महर्षि वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में दर्जन भर से अधिक झांकियों व बैंड बाजे भी शामिल रहे। वाल्मीकि शोभा यात्रा क्यों निकाली जाती है? भगवान महर्षि वाल्मीकि स्वामी को प्रकोट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा हमारे हिंदुस्तान के हर गांव, हर कस्बे में, हर बड़े शहर में, हर मंदिर पर बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भगवान शरद पूर्णिमा को तारीख बेशक चाहे कोई भी रही हो, उनको प्रकोट दिवस के उपलक्ष्य में शरद पूर्णिमा को ही महर्षि वाल्मीकि भगवान की प्रकट उत्सव और विशाल शोभा यात्रा जगह जगह पर बड़े धूमधाम के साथ निकाली जाती है और महर्षि वाल्मीकि भगवान का प्रकट उत्सव।
जहांगीराबाद में सांसद डॉक्टर भोला सिंह द्वारा पूरे जनपद में 15 दिवसीय गांधी संदेश यात्रा चलाई जा रही है, जहां पर भाजपाइयों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वहीं गांधी संदेश यात्रा नगर के मुख्य बाजार से होती हुई नगर के वार्ष्णेय बारात घर पहुंची, जहां पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। पदयात्रा क्यों निकाली जा रही है? महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जो 2 अक्टूबर को थी, 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के विचारों को, उनकी आस्था को लेकर जो मोदी सरकार विकास के कार्य कर रही है, जो योजना लेके आ रही है, उन योजनाओं को प्रचारित प्रसारित करने के लिए और एक अभियान के रूप में जल संरक्षण, जल शक्ति, एकल प्लास्टिक से मुक्ति, वृक्षारोपण और स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना, के दिवसीय यात्रा है। इस उद्देश्य को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। के दिवसीय यात्रा पूरे लोकसभा क्षेत्र में 15 दिन चल रही है। आज अगर लोकसभा की बात करें तो ये 7वां दिन है और विधानसभा अध्यक्ष का 2रा दिन है। तो ये यात्रा जगह जगह हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 दिन के उस पर रखी गई है। इसके लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी